नमस्कार, जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। कमालपुर परेटी के हरतरमो गांव में हाई मास्ट की चार विधायक ने किया घोषणा। जनपद कुशामदी में इन दोनों चायल के विधायक संजय कुमार गुप्ता गांव गांव जाकर जन चौपाल कार्यक्रम के तहत लोगों से मिलकर सरकार की उपलब्धियां को बताते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनकर तत्काल निवारण करते हैं। कुशामदी से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार यादव की रिपोर्ट। विधायक जी, जिस प्रकार से गांव में आपका जन चौपाल कार्यक्रम चल रहा है, इस जन चौपाल कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और क्या दिशा निर्देश देते हैं? भैया देखिए, एक विधायक हर गांव, हर परिवार, हर व्यक्ति के आशीर्वाद से बनता है और हमारा कर्तव्य है अपने क्षेत्र के गांव-गांव मजरे जाकर हम अपने क्षेत्र की जनता से संवाद करें, हमारे क्षेत्र की जनता का क्या तकलीफ है, अपने विधायक से इसकी क्या अपेक्षा है, मैं उसका क्या समाधान कर सकता हूँ। जब तक सीधा संवाद नहीं होगा तब तक चीज़ें पता नहीं चलेंगी और 17 के पहले तक इस चायल में जनता और विधायक के बीच में दलाल हुआ करते थे और दलालों के माध्यम से काम होता था। ये चायल में पहली बार है कि क्षेत्र का विधायक अपनी जनता के बीच में रहता है, जनता से सीधे बात करता है, बीच में किसी बिचौलियों की कोई स्थान नहीं है। ये विधानसभा मेरा परिवार है और अपने परिवार साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे हम, इसीलिए उनके साथ। आज आपका हरदरमऊ में कार्यक्रम लगा हुआ है, आज आपने क्या घोषणा किया? मैंने अपनी विधायक नीति से यहाँ एक हाई मास्ट दिया है। यहाँ पे नहर विभाग की पुलिया की आवश्यकता है, सकरा रास्ता है, अंग्रेजों के समय का पुल है, एक नया पुल बनना है, उसके प्रयास की घोषणा किया है कि उसको भी मैं विभाग से बात करके कराऊंगा। 750 मीटर की यहाँ पे बहुत पुरानी जर्जर सड़क है, खड़ंजा है, उसको भी जिला पंचायत से प्रस्ताव करके उसको भी बनाने की कार्रवाई कराऊंगा। एक तालाब है यहाँ पे जिससे चारों तरफ बस्तियाँ हैं और बरसात में तालाब जब ओवरफ्लो होता है तो उसका पानी लोगों के घर में जाता है। ब्लॉक के माध्यम से एक नाला का उसमें एस्टिमेट बनवा के नाला बनवा के उस तालाब का पानी भी ओवरफ्लो जो हो वो बाहर चला जाए, इसकी भी व्यवस्था कराने का आश्वासन मैंने अपने विधानसभा के हरदरमऊ के अपने परिवार के सदस्यों को यहाँ पर।